ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सांप्रदायिक दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के धौलपुर में शांतिप्रिय समुदाय ने पत्थरबाजी की। यहाँ ध्यान दें कि सोशल मीडिया पर शांतिप्रिय शब्द तंज कसते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए यूज किया जाता है। जर्नलिस्ट प्रदीप भंडारी और कई भाजपा समर्थकों ने ये वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया। तो क्या वाकई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धौलपुर में पुलिस पर पथराव किया? इस सवाल का जवाब है नहीं। कीवर्ड सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को दैनिक भास्कर के एडिटर गिरिराज अग्रवाल का ट्वीट मिला। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि धौलपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। इस बात को लेकर लोग गुस्से में आ गए और पथराव किया था। दैनिक भास्कर ने खबर दी थी कि 3 महीने पहले हरि सिंह कुशवाहा के बेटे कृष्णा पर अपने छोटे भाई की पत्नी से रेप करने का आरोप लगा था। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया था, हालांकि उस वक्त उसकी जमानत हो गई थी। लेकिन पुलिस कुछ दिनों पहले उसके घर पूछताछ के लिए गई तो कृष्णा कहीं नहीं मिला। उसके बाद जब वो 26 मई को पुलिस स्टेशन आया तो नशे में धुत था और पुलिस से गाली गलौज करने लगा। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि कृष्णा की पुलिस कस्टडी में हुई पिटाई के बाद लोगों ने लाठियों और पत्थरों से बाड़ी और बसेड़ी रोड को जाम कर दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू में लाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प में पत्थरबाजी की गई। धौलपुर के SP नारायण टोगस ने इस मामले पर ये बयान दिया। कृष्णा हरी सिंह, इसके खिलाफ एक बाड़ी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज था और ये आज मॉर्निंग में बाड़ी की जो चौकी है घूमट उसके ऊपर खुद चल के आया है। इसकी हालत नशे में ज़्यादा दर्द था तो वो इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के अंदर इसको बिल्कुल चेक किया, सारा इसका नशा शराब में होना सब पाया गया, इसके सारे पैरामीटर सही हैं, तो उस टाइम भी सही थे और बाद में अब यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, इज ऑल राइट। मैंने बात भी की है, बात कर रहा है और इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। तो फिलहाल बाड़ी में उपद्रव हो गया, तनाव फैल रहा है उसके लिए। इसको लेके बाड़ी के अंदर कोई पत्थरबाजी की बात ये सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाप्ता भेज दिया, उसको भी कंट्रोल कर। फायरिंग का भी सूचना की बात बिल्कुल गलत है, फायरिंग कुछ नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है। यानी पुलिस कस्टडी में हुई बर्बरता के विरोध में धौलपुर के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच विवाद हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया गया।